मेरी बेटी ने इसे बोल दिया, बिल्कुल शिकायत नहीं है। आशीर्वाद। जहाँ पर अपनापन होता है वहां पर हम भूल जाते हैं। यही स्थिति बाहर हो जाती है, कहते हैं सबके साथ में समभाव समदर्शन होने लगता है, सभी के अंदर में भगवान का दर्शन होने लगता है। आप पंखे को मत देखिए, पंखे के अंदर में बिजली है, बिजली के कारण पंखा चल रहा है और हमारा शरीर चल रहा है, तो आप शरीर के अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। भले ही हमें पायलट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एरोप्लेन चल रहा है उसमें पायलट बैठ, मारुति कार में ड्राइवर दिखाई नहीं पड़ता है, मारुति कार चल रही है तो उसमें ड्राइवर है। वृक्षों में, लताओं में, सब में परमात्मा बैठे हैं। भाई एटीएम से पैसे निकलते तो ऐसे ही निकलते हैं क्या? पहले बैंक में डालने पड़ते हैं। पौधों के अंदर में से फूल आते हैं, बाहर फल आते हैं, वृक्षों में से, तो कोई ना कोई वृक्षों में पौधों में बैठा है। हमारे आदरणीय सनी साहिब जी ज्वाला प्रसिद्ध ज्वाला मंदिर के संस्थापक हैं, अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। वृंदावन बिहारी लाल के अभी नव निर्मित श्री ज्वाला माता मंदिर, इनको रोड पर भी मंदिर का निर्माण हुआ है। तो उस मंदिर का निर्माण माँ भक्ति की प्रेरणा से साहब सिंह सैन जी द्वारा किया गया है। देखिए धन कमाना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है धर्म के काम के लिए खर्च करना। अपने लिए व्यक्ति खर्च करता है, लेकिन धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकता। तो साहब सिंह जी ने अखंड ज्योत वहां जगाई है माँ ज्वाला जी की, जो वहां नहीं जा सकता यहाँ जाकर माँ के दर्शन कर सकता है। तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से, कि इन्होंने इतना बड़ा धर्म का कार्य किया और सनातन धर्म का एक ध्वज यहाँ पर लहराया। कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक माता ने उनके बेटे हैं कवरेंद्र सिंह जी और दिलजोनप्रीत सिंह जी, ये अमेरिका में स्थायी सदस्यता इनको मिली है, जिसके लिए उन्होंने भगवान से यहाँ प्रार्थना की है और कुछ उनकी पुण्य कमाई से यहाँ पर उन्होंने कुछ अनुदान दिया है। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान ने इनकी पार्टी से बात नहीं रखा। वृषि वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपिकाएं बोल रही, प्रभु हमारे प्राण आपके चरणों में समर्पित है और हम आपको ढूंढ रही हैं। वन में हम भटक रहे हैं, प्रभु जल्दी आओ, भगवान को पुकार रहे हैं। और विरह में देखो, विरह में ज्यादा चिंतन होता है। मैंने भी उदाहरण दिया, सोने की चैन अपने हाथ में है, गले में है, कोई चिंता नहीं है, चिंतन नहीं होगा। और जो सोने की चैन ना मिले तो सोने की चैन का चिंतन विरह में कितना होता है। जब तक ना मिले तब तक शांति नहीं मिलती। ठीक उसी तरह से प्रभु, जब तक आपका दर्शन नहीं होता है, जब तक नहीं आते हो, तो हमें ऐसी पीड़ा होती रहेगी।
बहुत ज्यादा दुखी होकर देखो गोपियों ने क्या कहा, बड़ी दिव्य बात की है, गोपियां सामान्य नहीं है। गोपिकाओं ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापः श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप, विरह में सताए हुए लोगों के लिए वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े महात्माओं ने कवियों ने कहा है कि उसका गान किया जाए तो कहते सारे पाप ताप मिट जाते हैं। श्रवण मंगलम कहते हैं श्रवण मात्र से सब कुछ मंगलमय हो जाता है। श्रीमदाततम श्रवण मात्र से सब कुछ मंगलमय हो जाता है और परम कल्याण का दान हो जाता है। आप प्रभु प्रकट हो जाओ। तो भगवान गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई, गोपिकाओं ने कहा, बोले प्रभु आप कहां गए थे? भगवान सबको सांत्वना देने लगे। भगवान ने गोपिकाओं के सिर पर हाथ रखना शुरू किया, कंधों पर हाथ रखना शुरू किया, सांत्वना देने लगे। तो जिस समय रासलीला का प्रारंभ होने वाला है अभी, तो सभी देवता लोग जो जो भगवान को चाहते हैं सभी लोग रासलीला में प्रवेश कर रहे हैं। रासलीला में कौन प्रवेश कर सकते हैं? जो सतत भगवान के चिंतन में होते हैं। भगवान किन को चाहते भाई? ये भजन की तुमाम भक्त्या मैं तेषु चाप्यहम्। जो मेरा भजन करते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ई जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो साधक मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, भगवान का के उस साधक का मैं योगक्षेम चलाता हूं। योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु, उसको प्राप्त करा दे, और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करना। जैसे बालक को खिलौना अप्राप्त है तो मां खिलौने को लाकर देती है, और खिलौने की रक्षा भी मां ही करती है। जब वो खिलौना बालक सो जाता है, खिलौना गिर जाता है, तो खिलौने को उठाकर यथास्थान मां ही रखती है। खिलौने को लाकर मां ने दिया और खिलौने की रक्षा भी मां ने की। उसी तरह से भगवान कहते मेरे भक्तों की रक्षा मैं स्वयं करता हूं।
तो जिस समय रास लीला शुरू होने लगी भगवान कृष्ण बीच में खड़े हैं और चारों तरफ गोपियां हैं। देखिए ध्यान से श्रवण करना, बीच में लाला खड़े हैं, बीच में भगवान खड़े हैं और चारों तरफ गोपियां। जिसमें रासलीला शुरू हो गई, गोपिकाओं ने आंखें बंद कर ली है और कृष्ण का चिंतन शुरू किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ में मिलन, जैसे गंगा जी सागर को मिल जाती है तो गंगा सागर बन जाती है, उसी तरह से शुद्ध जीव ब्रह्म को मिल जाता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वह भवति, वो ब्रह्म का ही रूप बन जाता है। शास्त्रकारों ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। भृंग होता है ना, भृंग जो बांस को भी छेद करता है, भृंग काला पीछे होता है, वो भ्रमर, वो भृंग भ्रमर तो बांस को भी छेद करता है वो। अब वो क्या करता है, फूलों के ऊपर जो कीड़ा होता है उस कीड़े को उठा कर लेकर आता है और जो बांस के छेद के अंदर में उसको रख देता है और डंक मारता है। डंक मारने के बाद उस कीड़े को जलन हो जाती है। अब वो कीड़ा ध्यान करता है भ्रमर का, भृंग का। भृंग आएगा डंक मारेगा, भृंग आएगा डंक मारेगा, भृंग आएगा डंक मारेगा। वैसा ध्यान करते 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 2 महीने के बाद में वो कीड़ा भ्रमर बन जाता है, भृंग बन जाता है। और साधक भगवान का चिंतन करे, भक्त भगवान का चिंतन करे तो कहते हो भगवत स्वरूप हो जाता है। जिस समय आप भगवान का अवतार मनाएं और जिस समय बालक को ठाकुर जी के रूप में लेकर आए तो उस समय सारे लोग आंखें बंद करके भगवान का चिंतन करने लगे। उस समय देखो आप खड़े हो, ध्यान लगाया, ध्यान लग गया आपका, आप उस समय क्या हो गए, हो भगवत नए हो गए। और वो बालक भी कृष्ण का रूप धारण करके आया था तो देखो वो झांकी कितनी सुंदर थी। मैंने वीडियो में देखा मोबाइल में, वो बांसुरी हाथ में है और बहुत खुश प्रसन्न है वो बालक।
और साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है और हमको कुल में सारे लोग विराजमान हैं। और इस मंच से वीडियो के अंदर में पता लगता है कि भाई ये सामान्य मंच नहीं है, जैसे वो रमेश भाई ओझा जी की कथा होती है, मुरारी बापू जी की कथा होती है, ऐसी कथा लगती और इतनी भीड़ लगती। और हमें ऐसे लगता है कि सिंगावली रोड पर नहीं है, हम कहीं वृंदावन के अंदर में बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, कहीं गोकुल में मथुरा में कोई बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर है। आप कभी वीडियो देखना है। तो गोपिकाएं भगवान का चिंतन करती हुई गोल गोल घूम रही है। रसो वही सह भगवान के कारण कहते रास लीला है, भगवान के कारण रास लीला है। आप कभी बनारस में काशी में जाना, मानस मंदिर है और वहां पर रास लीला का दृश्य दिखाया, गोपिकाएं ठाकुर जी सब, और वो बजाते हुए वो बिजली के ऊपर चलते ना, तो ऐसे गोल गोल गोपियां घूम रही हैं और भगवान बीच में कन्हैया है, और ऐसा सुंदर दृश्य लगता है आप तल्लीन हो जाते हो। लेकिन बिजली चली गई तो सारी गोपिकाएं क्या है। तो रसवई सह रस रूप में परमात्मा, मुख्य परमात्मा कहते हैं, रास लीला के अंदर में है। थोड़ी देर के लिए भगवान अंतर्धान हो गए थे तो गोपिकाएं भाव विभोर हो गई, विरह से पीड़ित हो गई थी। ये छोटा बालक है ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है, नटखट हो जाता है और दरवाजे के पीछे छुप जाता है और माँ ढूंढती है, काका तू कहाँ है, काका तू कहाँ है, और वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है। माँ को विरह, देखो कितनी पीड़ित हो रही है जब तक बालक नहीं दिखाई पड़ता है, और बालक दिखाई पड़ता है बालक हंसने लगता है। ठीक उसी तरह से गोपिकाएं आंखें बंद करके भगवान का चिंतन करें। अब गोपिकाओं के मन के अंदर में आया कि मेरे साथ भगवान कृष्ण होते, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया, तो सब गोपिकाओं को लगा कि मेरे साथ में भगवान होते, मेरे साथ में भगवान होते। भगवान को लगा कि ये तो ऋषि मुनि लोग हैं और इनका संकल्प पूर्ण करना है, तो भगवान ने हर गोपी के साथ में कहते रूप धारण कर लिया। और देखो किसी की भगवान की माला है ऊपर जा रही है, कई माला नीचे जा रही है, किसी गोपी के साथ भगवान का हाथ ऊपर जा रहा है, किसी गोपी के साथ भगवान का हाथ नीचे आ रहा है, अलग 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 रूप धारण कर लिए। और जिस समय रासलीला शुरू हो गई है सबके साथ, सब गोपियों के साथ में भगवान और गोल गोल गोपिकाएं घूम रही हैं, उस समय दिव्य दृष्टि से देखा गया ये गोपिकाएं सामान्य नहीं, ऋषि मुनि लोग करताल हाथ में लेकर भगवान का चिंतन करते हुए भगवान के साथ में। इस रास लीला को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी भी आए, और भगवान शिव जी ने कहा कि मुझे भी रासलीला में जाना है। तो पार्वती देवी ने कहा कि आप कैसे जाओगे, बोले मैं कपड़े पहनूं, वस्त्र धारण करूंगा, और भगवान शिव जी भी गोपी बन गए। श्रृंगार किया भगवान शिव जी ने, पार्वती देवी ने तो प्रवेश कर लिया और भगवान शिव जी ने भी प्रवेश कर लिया। लेकिन जिस समय गोपिकाएं नृत्य कर रही थी, गोल गोल घूम रही थी, अब भगवान शिव जी जो उनका तो तांडव नृत्य है ना, वो कभी हाथ ऊपर जाए, कभी पैर ऊपर जाए थोड़ा सा, भगवान शिव जी को भगवान कृष्ण ने देख, अब वो सांप ऊपर है तो घूंघट ऊपर चला गया ना थोड़ा, भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु आप कैसे यहाँ पे।
रासलीला के अंदर में कौन प्रवेश कर सकते हैं, कहते जो भगवत स्वरूप हो जाता है, जो भगवान का प्रतिदिन चिंतन करता है। जिस समय आप भगवान का चिंतन करते हो तो रासलीलाएं तो है ही है, आपके समक्ष भगवान आपके साथ भगवान है। जब आप कीर्तन करते हो तो रासलीलाएं तो है, जिस समय आप कीर्तन बोल रहे हो, जैसे रोहित जी भजन बोल रहे हैं और उस इतने तल्लीन हो जाते हो, आप तालियां बजाते हो और आंखें बंद हो जाते हैं, उस समय रासलीला तो शुरू हो गई। नारद मुनि ने भगवान से पूछे, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा, रे मैंने कोई नारद कोई कुटिया नहीं बनाई, कोई मेरा घर नहीं है। आपके घर मकान का नंबर है, घर नंबर होता है ना, मकान नंबर कोठी नंबर होता है, तो भगवान के कोठी नंबर, भगवान का नंबर क्या है भाई कोठी नंबर? जी आपके पास मोबाइल नंबर है, भगवान का नंबर कौन सा है? अच्छा हो गया भगवान ने मोबाइल पास नहीं रखा तो सब लोग भगवान को क्या करेंगे? लेकिन जो साधक चिंतन भजन करता है, भगवान उनको अपना प्राइवेट नंबर दे देते। प्रहलाद को नंबर दिया था, ध्रुव को नंबर दिया था, जब भी प्रहलाद याद करते हैं भगवान पहुंच जाते थे। देखो मित्र बनाना हो तो भगवान को बनाना भाई, मित्र बनाना हो तो भगवान को बनाना। मैंने किसी बालक को पूछा, मैंने कहा आपके कितने मित्र हैं? बोले फेसबुक के ऊपर मेरे 500 मित्र हैं। फेसबुक पर 500 मेरे मित्र हैं। मैंने कहा आपके मित्र आपको 10-10 रुपए भेज देते क्या? बोले भेजते तो कुछ नहीं है। मित्र होने चाहिए, लेकिन हमारा कहते मुख्य मित्र कहते हैं सखा भाव अर्जुन का था, सख्य भाव से भगवान ने भगवान की प्राप्ति अर्जुन ने कर ली है। सखा भाव मित्र बनाना मतलब ये सख्य भाव भक्ति है, नवदा भक्ति में भगवान को सखा मानना, भगवान को मित्र मानना। और ये मित्र ऐसा है कि आपकी प्रतिक्षण रक्षा करता है। मैं मित्र को फोन किया, भाई तू आ जा, रहे मैं तो दफ्तर जा रहा हूँ यार, ऑफिस जा रहा हूँ, टाइम नहीं, संडे को मिलूंगा। लेकिन भगवान ऐसे बोलते हैं क्या? तो जो गोपिकाएं खड़े हैं भगवान कृष्ण के साथ में, सिद्ध ऋषिगण है, सिद्ध ऋषि मुनि लोक है, ये वेद की श्रुतियां हैं, ये गोपिकाएं सामान्य नहीं है। आइए आपके सामने रास लीला का एक दृश्य होगा, उसमें आपको राधा जी का, ठाकुर जी का, गोपिकाओं का दर्शन होगा।